हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ख्वाहिश म्यूजिक वर्ल्ड में। और दोस्तों, जैसे ये रोलैंड का EX20 आप देख रहे हैं, अरेंजर कीबोर्ड है और इसमें बैंजो टोन के मुझे कमेंट आए कि बैंजो टोन कौन, तो मैं आइए आपको इसका बैंजो टोन दिखाता हूँ। बैंजो टोन आपको मिलेगा यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सितार है, इसका सितार आइए देख लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सितार, और आइए ये देखते हैं दोस्तों, ये भी सितार है, ये सितार नंबर 6 है, ये 450 नंबर पर आप देख रहे हैं बैंजो 1 करके लिखा है, और एक बैंजो है इधर 451 पर, फिर आगे है। तो इसका बैंजो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मैंने अपने से ड्यूल ऑप्शन यूज करके बनाया है जो टोन, वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और कैसे वो टोन मैंने बनाया है आपको मैं बताता हूँ, आप भी वैसे टोन बना सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे। मैंने 447 ये सितार नंबर 4 जो है इसको लिया, और ड्यूल ऑप्शन का यूज करता हूँ मैं, और 096 095 और 0447, ये दोनों टोन जब मैं मिला रहा हूँ, सितार और ये ऑर्गन, तो मुझे काफ़ी अच्छी वॉइस से लग रही है। क्या आपको ये वॉइस अच्छी लगी? मुझे तो काफ़ी प्यारी लग रही है, और आप इस वॉइस को अपने बैंक में बना के सेव कर सकते हैं। मैंने इस वॉइस को अपने बैंक नंबर 3 में सेव करके रखा है, ये देखिए, जब मैं 3 दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरा ये टोन आपके सामने आ जाएगा। ऐसे आप टोन बना के ये बैंक में सेव कर सकते हैं, और ये सितार और ये रीड ऑर्गन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा है, और आप इसको स्टेज शो में या श्रीमद् भागवत कथा किसी भी धार्मिक आयोजन में बहुत बढ़िया लगता है। कॉर्डिंग के साथ अगर ये बजाएंगे आप तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और भी अगर कोई टोन आपको सीखना है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।